यहाँ मेरे घर में बहुत सारे प्लांट सिरप की बॉटल्स हर घर में होती हैं। आकर इन्हें किसी न किसी खूबसूरत शक्ल देकर हम यहाँ पर टेप लगा देंगे अगर हमारे पास टेप नहीं है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे और अपने अच्छे अच्छे से कामों में बिजी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह में आप सबको वेलकम कहती हूँ। जिंदा दिल खवातीन अपने घर के कामकाज को लेकर अपने घर को संवारना सजाना भी खूब अच्छे तरीके से जानती हैं। जैसा कि मैंने अपने घर को बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बनाया हुआ है वेस्ट मटेरियल थिंग्स के साथ, तो चलिए जी स्टार्ट करती हूँ कि आज मैं इन बॉटल्स के साथ आपके साथ क्या शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र बनेगा हमारे गार्डन के लिए, इसे हम इंडोर भी लगा सकते हैं आउटडोर भी। तो देखिए इन बॉटल्स को मैंने दो हिस्सों में काट लिया और ये देखिए आपके सामने मैं होल्स करके दिखा रही हूँ कि बॉटल्स में हमने इस तरह से होल्स कर लेने। एक बॉटल को मैंने सेंटर में रखना है और पांच बॉटल्स को इर्द गिर्द लगाना है। जो बॉटल सेंटर में होगी उसके नीचे वाली साइड्स पर मैंने दो दो होल्स कर दिए हैं और बाकी जो पांच बॉटल्स होंगी उनके ऊपर वाली साइड पर दो दो होल्स कर देने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दो बास्केट्स बनाई हैं। ये दो तरह के ऑर्गेनाइज़र बनेंगे हमारे गार्डन के लिए, ये आपको जब बनने के बाद पता चलेगा कि जी किस तरह बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इन दोनों को जोड़ देना है। इन बॉटल्स को जोड़ने के लिए यहाँ पर मैं जिप टाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह एक मोटा थ्रेड भी ले सकते हैं मजबूत सा, जो कि इन बॉटल को अच्छी तरह से बांध दे। तो देखिए इस तरीके से हमने, जिस तरह मैं आपके सामने बहुत ही नज़दीक करके आपको दिखा रही हूँ, कि हमने इन दोनों बॉटल्स को आपस में जोड़ते चले जाना है। सिर्फ एक बॉटल सेंटर में रहेगी, बाकी बॉटल्स हमने इसके इर्द गिर्द इसी तरीके से लगानी है। व्यूवर्स यहाँ पर मैंने दो दो होल्स किए हैं हर बॉटल में, ऊपर नीचे, यानी बराबर बराबर नहीं ऊपर नीचे किए हैं। ऊपर नीचे इसलिए बनाए हैं कि ये देखिए इस तरीके से जब हम इसमें से लेकर जाएंगे तो ये इसी तरह वापस दूसरे होल्स में से निकल आएगी। जिस बॉटल को हमने नीचे रखना है उसमें से जिप टाई लेकर जाएंगे और जिस बॉटल को हमने सेंटर में रखना है उसके दोनों होल्स में से गुजारने के बाद वापस नीचे वाली बॉटल में, उसके दूसरे होल में से हम इस बॉटल में दाखिल हो जाएंगे। यहाँ पर इस टाई का लॉक है, इसमें से इसे हम जाकर लॉक कर देंगे और जो बाकी हिस्सा होगा उसे काट देंगे। ये बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं। प्लास्टिक बॉटल्स से हम ये इतना खूबसूरत एक डेकोरेशन पीस बना लेंगे जिसे हम घर के अंदर या घर के बाहर भी लगा सकते हैं। घर के अंदर अगर हम लगाएंगे तो इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा सकते हैं, अगर घर के बाहर लगा रहे हैं अपने गार्डन में लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम इसमें प्लांट्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने चार बॉटल्स लगाकर दिखाई हैं, अगर आप पांच बॉटल्स लगाना चाहें तो पांच भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ जगह छोड़ी हुई है मैं पांचवीं बॉटल लगाऊंगी। पांचवीं बॉटल लगाने का ये फ़ायदा होगा कि ये हिलेंगे नहीं, आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ जाएंगी। अच्छा जी, इसके बाद हमें इनके अंदर रखने के लिए कुछ बॉटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह के सिरप की बॉटल्स हर घर में होती हैं। इस बॉटल के इस डेकोरेशन में मैं रखना चाहूँगी जी मनी प्लांट्स। मनी प्लांट्स के लिए ये देखिए छोटी छोटी बॉटल्स मैंने जमा कर रखी हैं और इनके अंदर मनी प्लांट्स लगाकर और इन्हीं बॉटल्स के अंदर रख दूंगी। मुझे फ़ायदा इसका ये होगा कि मैं ये पानी चेंज करती रहूँगी। देखिए इसके अंदर मैंने पानी भर लिया, ऊपर तक नहीं भरा, हाफ भरा है, और इसमें दो दो डंडियाँ मैं मनी प्लांट्स की लगा दूंगी और इस तरह से इसके अंदर रख दूंगी। जब इनकी रूट्स निकल आएंगी तो इन्हें मैं मिट्टी में लगा दूंगी और यहाँ पर मज़ीद दूसरी चेंज कर दूंगी। ये बॉटल्स तो हो गई तैयार, अब हमने इसे हैंग भी करना है। हैंग करने के लिए देखिए जी मैंने इसकी बॉटल के ढक्कन में, लिड में एक छोटा सा होल किया हुआ है। मेरे पास एक तस्मा था वेस्टेड में पड़ा हुआ था, देखिए इसके दोनों साइड जो हैं इसी में से हमने गुजारने हैं और गुजारने के बाद ये एक बड़ा प्यारा सा हुक बन जाएगा। ये हो गया जी हमारे पास लटकाने का बंदोबस्त। आज की वीडियो हमारी है जी बिल्कुल नो कॉस्ट वाली, यहाँ पर एक रुपया भी खर्च होने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तस्मे को लगा दी गिरा और इसे इधर से खींच लिया, खींचने के बाद ये हो गया जी हमारा हैंगिंग का इंतज़ाम। और जो दूसरा मेरे पास बंडल बना हुआ है बॉटल्स का, ये देखिए ऑर्गेनाइज़र बहुत ही खूबसूरत दोनों। आप यहाँ पर यह गौर कीजिए कि एक बॉटल को मैंने जो एक एक्स्ट्रा बॉटल थी उसे काटा, जो सेंटर में लगाई है उसमें एक मैंने ग्रुप में लगाई है जी ऊपर वाला इसका पार्ट और दूसरे में मैंने उसका नीचे वाला पार्ट लगाया है। देखिए दोनों को यूज़ किया है। यकीन कीजिए कि वेस्टेड बॉटल्स के साथ बने हुए ये प्लांटर जब मेरे गार्डन में लगे तो इन्होंने मेरे गार्डन को चार चांद लगा दिए, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा यहाँ पर मैं अब आपको ये बताना चाहूँगी कि इसके ऊपर जो रैपर लगा हुआ है, शीट लगी हुई है, वो मैंने नहीं रिमूव की, इसलिए कि मुझे ये कलर्स बहुत प्यारे लग रहे थे। जब तक ये हैं तब तक ठीक, जब ये उतर जाएंगे तो मैं यहाँ इनको पेंट कर दूंगी। अभी मैं इन्हीं को लेकर चलूंगी। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। वेस्टेड बॉटल्स जिन्हें हम फेंकना चाहते हैं बिल्कुल भी मत फेंकिए, अपने गार्डन में ला कर इन्हें किसी न किसी खूबसूरत शक्ल देकर और अपने गार्डन को बहुत ही प्यारी लुक में ले जाइए। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।
प्लांटर्स में मैंने पानी की छोटी छोटी बॉटल्स रखी हैं जिनके अंदर ये मनी प्लांट्स लगे हुए हैं। अगर हमारे पास वो बॉटल्स नहीं हैं तो हम इनमें मिट्टी भर के और कोई से भी प्लांट्स लगा सकते हैं। ये देखिए जी, इन प्लांटर्स को हम इंडोर भी लगा सकते हैं क्योंकि ये पानी में लगे हुए प्लांट्स हैं, अंदर जाके हम इन्हें कहीं भी हैंग कर सकते हैं, बहुत दिनों तक ये ज़िंदा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। इन्हें बस हमने किसी विंडो में लगाना है जहाँ इन्हें अच्छी धूप मिले। तो देखिए ये किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा जी, अगर हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और वहाँ मजीद ज़मीन में प्लांट्स लगाने की जगह नहीं है तो ले लीजिए इस तरह की पाइप्स, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक मोटी मजबूत पाइप है। देखिए मैं इसको हमर के साथ यहाँ पर अच्छी तरह टुकाई करके ज़मीन के अंदर लेके जा रही हूँ। जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अगर आप प्लांट लवर्स हैं और आपके पास जगह कम है और आप चाहते हैं जी यहाँ मेरे घर में बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी हो, बस जी आप ले लीजिए इसी तरह के पाइप्स और पाइप्स को ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए क्योंकि ये बहुत कम जगह लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि एक पाइप के ऊपर मैंने इस तरह से बॉटल्स लगा कर भी प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं। और ये किस तरीके से बॉटल लगती है इसका तरीका आप अगले क्लिप में देख सकेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने बॉटल्स के ऊपर फिक्स करके प्लांट्स को लगाया हुआ है। ये वाला पाइप गुलाई में ज़्यादा बड़ा है और जो पाइप इंसर्ट होगा वो गुलाई में इससे कम होगा, तभी हमारा काम बनेगा। तो देखिए मैंने इस तरह से इस पाइप को इस दूसरे पाइप में इंसर्ट कर दिया और हमारा ये एक प्लांट यहाँ पर आराम से यहाँ जाकर सेट हो गया। और इसी तरह से हम छोटे बड़े पाइप यहाँ पर लगा कर बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। यकीन कीजिए कि ये लगे हुए इतने प्यारे लगते हैं कि बस इंसान इन्हें देखता ही रह जाए। मैंने बहुत सारी जगहों पर इस तरह के प्लांटर्स लगा रखे हैं। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ के हम किसी भी पाइप के ऊपर किसी प्लांटर को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए जब हमें इसके ऊपर कोई चीज़ लगानी है ना तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर टेप लगा देंगे। अगर हमारे पास टेप नहीं है तो हम कोई सब भी फैब्रिक मजबूत सा अच्छा सा ले के वो इस तरह से यहाँ पर लपेट देंगे, उसे अच्छी तरह से बांध सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेप लगा दिया। उसके बाद जी जो बॉटल मैंने इसके ऊपर लगानी है वो है इस तरह से काट लेना। हमने इसे इस तरीके कप की शेप में काटना है, कप की शेप में काट कर और देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया। लगाने के बाद अब इसमें मिट्टी डाली, मिट्टी में होल किया, होल में मैंने यहाँ पर इसमें आगे प्लांट लगा दिया। बहुत ही आसान काम है, बहुत ही मजबूती से ये जो हमारा प्लांटर है इस पाइप के ऊपर अच्छे तरीके से जुड़ जाता है। बस हमने जी यहाँ पर जो टेप लगानी है नीचे इसकी साइड पर वो अच्छी तरह से मजबूती से लगी होनी चाहिए, हिलना नहीं चाहिए इसे। मैं ये काम बहुत मजबूती से करती हूँ ताकि कभी आंधी तूफान बारिश वगैरह आए तो तेज़ हवा की वजह से मेरे प्लांटर्स गिरे नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं गिरे। देखिए यहाँ पर हम ना सिर्फ ज़मीन में बल्कि किसी भी पॉट में इस तरह के प्लांटर्स बनाकर लगा सकते हैं। देखिए इर्द गिर्द और प्लांट्स लगे हुए हैं और साथ में एक अगेव प्लांट लग गया जो कि इस पाइप के ऊपर लगा है। उसकी वेस्टेड बॉटल्स पर बनी हुई ये एक खूबसूरत वीडियो जो कि आज मैंने शेयर की है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।